नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर राजस्थान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ दीपिका। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए 1700 ग्राम पंचायतों में कल होगा चुनाव। जैसलमेर जिले में टिड्डी दलों का बड़ा हमला, खेतों की फसल कर गई चट। लिटरेचर फेस्टिवल में उमड़ने लगा साहित्य प्रेमियों का सैलाब। फ्रांस का डेलीगेशन ने लोगों को किया मंदमुग्ध। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए 1700 ग्राम पंचायतों में कल यानी 29 जनवरी को गांव की सरकार के लिए मतदान होगा। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए 1700 ग्राम पंचायतों में कल यानी 29 जनवरी को गांव की सरकार के लिए मतदान होगा। जयपुर जिले की दीन पंचायत समिति झोटवाड़ा, पावटा और विराटनगर की 81 ग्राम पंचायतों में 676 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। 3,23,788 मतदाता 379 मतदान केंद्रों पर करेंगे। भवानी निकेतन से फाइनल रिहर्सल के बाद पोलिंग पार्टियों ने अपने अपने मतदान केंद्रों पर मोर्चा संभाल लिया है। कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। चुनाव का चरण सज चुका है। कल सुबह शाम 8 से 5 बजे तक पंचायत राज चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान होगा। भवानी निकेतन से पोलिंग पार्टी को 80 प्रकार की चुनावी सामग्री देकर फाइनल रिहर्सल के बाद 379 मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। तीसरे चरण में जयपुर की विराटनगर, पावटा और झोटवाड़ा पंचायत समितियों के 83 ग्राम पंचायतों में चुनाव होगा। 81 ग्राम पंचायतों में 676 प्रत्याशी सरपंच और 901 वार्डो में 1295 प्रत्याशी वार्ड पंच की कुर्सी पर बैठने के लिए लाइन में है। लेकिन विजेता का फैसला 3,23,788 मतदान चुनावी आंकड़ों में कल करेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि तीन पंचायत समितियों की 81 ग्राम पंचायतों में 379 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे मॉक पोल होगा। उसके बाद सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। तीसरे चरण में विराटनगर की 31, झोटवाड़ा की 19 और पांवटा की 31 ग्राम पंचायतों सहित कुल 81 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंचों पद द्वारा निर्वाचन होगा। उन्होंने बताया कि पावटा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भोनावास में सरपंच एवं वार्ड संख्या 1 से 11 तक वार्ड पंच के लिए कोई भी नामांकन प्राप्त नहीं होने से पद रिक्त रहे हैं। वहीं विराटनगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत किशनपुरा में सरपंच और वार्ड संख्या 1 से 5 तक वार्ड पंच भी निर्विरोध घोषित हो चुके हैं। श्री करणपुर में पंचायती राज चुनाव 2020 के तीसरे चरण को लेकर श्री करणपुर पंचायत समिति की 35 ग्राम पंचायतों में कल होने वाले सरपंच व वार्ड पंच पद के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार थम गया, परंतु सरपंच पद के प्रत्याशियों ने चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। पंचायती राज चुनाव 2020 के तीसरे चरण को लेकर श्री करणपुर पंचायत समिति की 35 ग्राम पंचायतों में कल होने वाले सरपंच व वार्ड पंच पद के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार थम गया। चुनावी प्रत्याशी विधानसभा चुनाव की तरह से सैकड़ों समर्थकों के साथ प्रचार थमने से पहले रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं अपने समर्थकों द्वारा अपने चहेते प्रत्याशी को लड्डुओं से तोला गया। श्रीकरणपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में प्रचार अभियान में प्रत्याशियों के साथ समर्थक भी पूरा दमखम लगा रहा है, माहौल को अपने पक्ष में करने से जुटे नजर आए। वहीं श्रीकरणपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में चुनाव प्रचार अपने पूरे परिवार पर चल रहा है। प्रत्याशी लगातार प्रचार में लगे हुए हैं। सरपंच से ज्यादा वार्ड पंचों को मशक्कत करनी पड़ रही है। एक एक वोट की गिनती करने के प्रयास हो रहे हैं। क्षेत्रों से बाहर रहने वाले वोटरों को मतदान के दिन पहुंचने के जतन किए जा रहे हैं। गांव से ढाणियों के अंतिम छोर तक प्रत्याशी के लगातार संपर्क से क्षेत्र चुनावी रंग में रंगा नजर आ रहा है। लोग गाँव के चौपाल से ढाणियों तक चुनावी चर्चा में मशगूल हैं। प्रत्याशी भी हर मतदाता तक पहुंचने के प्रयास में दूर खेतों ढाणियों तक पहुंचकर मत देने की मिन्नतें करते नजर आ रहे हैं। इस तो बाद आपा सारिया ने इकट्ठे होके 17 उच जाना है। उस तो बाद परली 17 उच जाना है। एक दिन मैं तुहाडा चाहना है, तुसी एक दिन मैनू दे दियो। उस तो बाद 5 साल तुहानू कोई लोड़ नहीं पई, आपे घर कर आऊंगा, तुहाडे काम करूंगा। जैसलमेर जिले के बनियाना क्षेत्र के ग्राम रातनिया के ज्ञानोदय पब्लिक माध्यमिक विद्यालय दो खिलाड़ी चयनित किए गए। ज्ञानोदय पब्लिक माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक चौथा राम ने बताया, राजस्थान की टीम जो राष्ट्रीय स्तर 17 वर्षीय विद्यालय डोजबॉल प्रतियोगिता, कुल 10 खिलाड़ी चयन हुए, जिनमें से दो खिलाड़ी ज्ञानोदय पब्लिक माध्यमिक विद्यार्थी के छात्र हैं। खेताराम व बरकत खान राष्ट्रीय स्तरीय डोजबॉल में चयन हुए, जिनके दो खिलाड़ी चयनित हुए हैं। टीम ने जयपुर के 5 दिवसीय प्रशिक्षण किया गया। अब राष्ट्रीय टीम जयपुर से रविवार को रवाना कर देगी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। जिले भर से दो खिलाड़ी का चयन हुआ। स्कूल अध्यापक और ग्रामवासियों में खुशी की लहर।
जैसलमेर जिले के बनियाना उपखंड के एक बार फिर आसमानी आफत बनकर आए टिड्डी दलों ने बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। पाक से आ रही इन दलों की संख्या में एकाएक इजाफा हो रहा है। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में फाका दल पनप रहे हैं और ऐसे में आगामी दिनों में हमले बढ़ने की आशंका है। गत दो दिनों में एक साथ कई टिड्डी दलों ने जैसलमेर जिले के राजमथाई गांव में धावा बोल दिया है। करोड़ की संख्या में आए टिड्डियों ने दो दिन में ही 2000 से अधिक खेतों की फसलों को चौपट कर दिया। किसान जिम्मेदारों को फोन कर रहे हैं और उनकी नजरों के सामने लाखों की फसलें बर्बाद हो गई। जलोड़ा गांव में सोमवार को टिड्डियों ने डेरा डाल दिया। उसके साथ ही टिड्डियों ने लाखों रुपए की खड़ी फसल को तबाह कर दिया। जानकारी के अनुसार झालोड़ा गांव के किसानों के असिंचित खेतों में टिड्डियों ने डेरा डालकर फसल को चौपट कर दिया। सिरोही कब्रिस्तान में श्रमदान कर लोकतंत्र का महापर्व मनाया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर साइना सेवा संस्थान द्वारा स्वच्छ सिरोही सुंदर सिरोही अभियान के तहत हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देते हुए सद्भावना एवं भाईचारे का संदेश कब्रिस्तान के श्रमदान कर दिया। द्वितीय चरण के श्रमदान के तहत एक बड़े क्षेत्र में उगी चुकी जंगली एवं बरसाती घास आंकड़े एवं कचरे को हटाया गया। संस्था के श्रम ब्यूरो द्वारा 3 घंटे तक पसीना बहा मैदान को साफ सुथरा कर लगभग 1.5 ट्रॉली के आसपास कचरा एक जगह संग्रहित किया गया। इस सेवा कर्म में संस्था अध्यक्ष विजय त्रिवेदी, शंकर माली, मनीष संगरवंशी, रतन सिंह, मनीष लखानी, मोहम्मद इम्तियाज, मोहम्मद अयूब, मोहम्मद अजरुद्दीन, उत्तम सुग्रवंशी, योगेश त्रिवेदी, सुरेंद्र सिंह, कन्हैया माली, पंकज वैष्णव आदि का योगदान रहा। विजय त्रिवेदी ने बताया कि कब्रिस्तान में चल रहे श्रमदान में हमें मुस्लिम भाइयों का पूरा सहयोग मिल रहा है। जहां प्रेम और भाईचारा है वहीं प्रगति और विकास है। पद्मश्री अवार्ड से नवाजे जाएंगे जैसलमेर निवासी अनवर खां। राजस्थानी तथा सूफी गायकी की मिसाल है लोक कलाकार अनवर खां को पद्मश्री मिलने की घोषणा के बाद जैसलमेर में खुशी की लहर। थार के लोकगीत व संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने वाले अनवर खां की गायकी का है अहम योगदान। भारत सरकार के प्रतिष्ठित पद्मश्री अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक कलाकार और जैसलमेर के बैया गांव के निवासी अनवर खां को देने की घोषणा के बाद मरुस्थलीय जिलों में खुशी की लहर छा गई है। अनवर खां को बधाइयां देने वालों का तांता लग गया है। जैसलमेर के बैया गांव के जाए जन्मे अनवर खां ने लोक गायकी की ओर थार की इस थाती को विदेशी सरमजी पर भी गुंजायमन कर रखा है। पश्चिमी जगत में थार के लोकगीत संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने वाले अनवर खां की गायकी का अहम योगदान है। संपूर्ण भारत के साथ साथ लगभग 55 देशों में अपनी गायकी का परचम लहरा चुके अनवर खां विख्यात संगीतकार AR रहमान की फिल्मों में भी गा चुके हैं। साथ ही कई हिंदी फिल्मों में भी अपनी लोक गायकी का जलवा बिखेर चुके हैं। केंद्रीय संगीत नाटक अकेडमी, राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी सहित अमेरिका, रूस, स्पेन सहित कई देशों में सम्मानित हो चुके अनवर ने पंडित भीमसेन जोशी, पंडित विश्वमोहन भट्ट, सुल्तान खां, जाकिर हुसैन सहित कई उस्तादों के साथ गाया है। लोक गायकी की सभी शैलियों में महारत हासिल कर चुके अनवर खां जब लोकगीत गाते हैं तो श्रोता मदमस्त होकर झूम उठते हैं। अनवर राजस्थानी तथा सूफी गायकी की मिसाल हैं। रेगिस्तान के इस लाल को पद्मश्री मिलने पर थार की लोक संस्कृति के इस सांस्कृतिक राजदूत पर थार ही नहीं पूरे देश को नाज है। मेरे गांव के लिए, मेरा जो बसियां जैसलमेर और जैसलमेर जिले के लिए और मेरे रिश्तेदारों के लिए, मेरे मांगणिया मेरा से समाज के लिए और जैसलमेर के लिए हमें बहुत गर्व की बात। आज मुझे बहुत खुशी हो रही और उसका कोई हद नहीं जो मैं आज क्या कहूँ, उसका कोई अंदाज नहीं कर सकता। और लोक संगीत जो है हमारा, तो ये बहुत बड़ी इनकी ताकत है। बुज़ुर्गों ने जो हमारे कई पीढ़ियों से उन्होंने ये कला को रखी, गाए बजाए, जजमानी प्रथा हमारी रही। तो अपने अपने गांव में अंगड़ियार जो बैठे हैं मेरा से, जहाँ गाते हैं बजाते हैं, अपने जो भी उनकी जजमानी हो गाते बजाते, उन्होंने हमारे को ये सहयोग दिया और सहयोग किया। और उन्होंने लाल का जो जाना है, बाहर विदेश में जाते, विलायत में जाते, बहुत अच्छा अच्छा फंक्शन, अच्छे अच्छे प्रोग्राम है, अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ में अच्छे जो अच्छा मंच मिल रहा है, ये उनकी मेहरबानी है। और हमें बहुत खुशी है कि हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो इस जैसलमेर की जो पवित्र भूमि और पवित्रता पाक भूमि और ये बालू रेत और ये हमारा सोनार किला, हमारी जैसलमेर की हवेलियाँ और इनकी इतनी ख्याति है, इसका कोई हद नहीं है। जयपुर डिग्गी पैलेस में चल रहे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के तीसरे दिन अपने रंग में रंगने लगा है। स्कूल में कॉलेज के छात्र छात्राएं फेस्टिवल में उत्साहपूर्वक पहुंचे। शशि थरूर के सेशन में युवाओं की दिलचस्पी दिखी और बड़े गौर से शशि थरूर के सेशन को अटेंड किया। दरबार हॉल में अरेबिक कवित्र,
अफरा अतीक ने अपनी कविताओं के जरिए बैठे हुए लोगों को मंदमुग्ध किया और उनसे वाहवाही लूटी। अफरा अतीक एक अरबी कवित्री हैं जिन्होंने अंग्रेजी और अरबी में अपनी कविता प्रस्तुत की, राजस्थानी लिबास में बैठी हुई नजर आई। फ्रांस का एक डेलीगेशन जो बिल्कुल चुपचाप लोगों के पास आता है और पाइप के जरिए से हिंदी, फ्रेंच और इंग्लिश में पोएम सुनाता है, उसको सुनते हुए लोग बाहर की गतिविधियों को भूलकर उसमें मग्धमुग्ध हो जाते हैं। 40 लोगों का एलिवेशन फेस्टिवल में लोगों को बड़ा लुभा रहा है। लोग बड़े शौक से उनके इस तरीके को देखकर सुनकर लुफ्त उठा रहे हैं। फेस्टिवल में अलग अलग अंदाज में सेल्फी और फोटोग्राफ लेते नजर आ रहे हैं। लीजा रे ने अपनी किताब का विमोचन किया, लोगों ने बड़े शौक से उनकी किताब खरीदी। सर्वाइकल कैंसर से उबर कर आई लीजा लोगों से रूबरू हुई और अपनी जिंदगी के बारे में लोगों से शेयर किया। जयपुर में शहीद स्मारक MI रोड स्थित लाखों की तादाद में सर्व समाज के लोग CAA और NRC के विरोध में सड़कों पर उतरे। जुम्मे की नमाज के बाद लोगों का रेला शहीद स्मारक की ओर रवाना हुआ। देखते ही देखते लाखों की तादाद में लोग शहीद स्मारक पहुंचे। शहीद स्मारक जयपुर के शाहीन बाग बनता नजर आया। शहीद स्मारक आते समय लोगों के हाथों में तिरंगा और तख्तियां लिए हुए थे जिन पर CAA और NRC के विरोध में नारे लिखे हुए थे। रैली पूर्णतया शांतिपूर्वक निकली। रैली में लोग मोदी तेरी शान तानाशाही नहीं चलेगी, CAA और NRC खत्म करो, रोजगार की बात करो, मोदी शाह होश में आओ, जब से भाजपा आई है देश में बंटवारे की स्थिति आई, जैसे नारों के साथ तख्तियां लेकर लोग रैली करते नजर आए। रैली में औरत, मर्द, बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे और गोद में लिए हुए बच्चों को उनकी माँ जोशो खरोश के साथ रैली में नजर आई। याकूब खान बादरा ने बताया कि BJP की नीति देश को तोड़ने की नीति है, इसमें देश को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा भाजपा सरकार लोगों का बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ऐसे बिल ला रही है जिससे लोग सड़कों पर उतरे और मेन मुद्दों से भटक जाए। उन्होंने कहा इस देश की आज़ादी में सभी धर्म, जाति, वर्ग के लोगों को कुर्बानी देने के बाद ही देश को आज़ादी मिली है। आज देश में अमन सुकून खत्म कर दिया गया है। रैली में यह मांग की गई, जब तक CAA और NRC नहीं खत्म किया जाएगा तब तक इसी तरह से विरोध प्रदर्शन चलते रहेंगे। जयपुर का यह तीसरा बड़ा प्रदर्शन रहा। रैली सिविल लाइन फाटक पहुंचकर वहां से 18 लोगों का डेलीगेशन राजभवन लाया गया। जयपुर पुलिस के आला अधिकारियों ने डेलीगेशन से वादा किया था कि राज्यपाल को ज्ञापन दिलवाएंगे, परंतु इन मौके पर पुलिस अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए। जब जड़ी डेलीगेशन राजभवन पहुंचा तो राज्यपाल ने मिलने से मना कर दिया। राज्यपाल ने कहा मेरे से मिलने के लिए आप लोगों ने समय नहीं लिया, इसलिए मैं नहीं मिलूंगा। राज्यभवन में डेलीगेट्स की वहां कुछ गर्मो गर्मी भी हुई। अंत में ADC को राष्ट्रपति का नाम ज्ञापन सौंपा। सब चीजें बिल्कुल खत्म हो गई है और सरकार जो है इन चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए ये सब चीज़ें कर रही है कि एक विशेष समुदाय को एक किया जाए और उससे अपने वोट हासिल किया जाए। ये सिर्फ वोट की राजनीति से ज़्यादा कुछ नहीं है, इसे कुछ नहीं मिलने वाला। सब एक रहेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्योंकि जो गंगा जमुनी संस्कृति है इस देश में वो हमेशा इंशाल्लाह कायम रहेगी और मुसलमान हमेशा इस देश के लिए कुर्बानी देता रहा है। और 1857 की क्रांति जब हुई तो लोग इतिहास बदलने में लगे हुए हैं, लेकिन जो इस इतिहास के बारे में सच्चाई से जानते हैं तो उसमें कितने उलामा ने और सब लोगों ने कितनी कुर्बानी दी, वो लाखों हाफिज़ उलमा और दीन के समझने वाले लोगों को अंग्रेज़ों ने पेड़ों पर लटका दिया, लेकिन फिर भी मुसलमान ने इस मुहिम से हटे नहीं और देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान रहा। और अब भी इंशाल्लाह एक एक मुसलमान इस देश के अमन और सुकून के लिए लगा हुआ है, वो कभी भी इस देश की, हिंदुस्तान की अमन और सुकून को कभी ख़त्म नहीं होने देगा। अपनी जान की बाजी पे खेल के भी वो इस देश के अमन और सुकून को हमेशा कायम रखेगा इंशाल्लाह। आपका नाम बता दें। मेरा नाम याकूब खान भादरा है। गणेश्वर चिपालाटा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित गणतंत्र दिवस पर शानदार कार्यक्रम में विद्यालय के भामाशाह और गोवा में व्यवसायी महिपाल सिंह तंवर ने विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु प्रेरित करने हेतु कई घोषणाएं की। इसी प्रकार द्वितीय और तृतीय टॉपर को साइकिल व चांदी का सिक्का देने की भी घोषणा की। पूर्व में भी महिपाल सिंह विद्यालय को साउंड सेट भेंट कर चुके हैं। साथ ही भामाशाह विमलेश शर्मा ने बताया विद्यालय में शीघ्र स्टेज बनवाने की भी घोषणा की है। ये दोनों इसी विद्यालय में वर्तमान प्रधानाचार्य मनोज कुमार मीणा के शिष्य रह चुके हैं और सदैव क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करते रहते हैं।
उल्लेखनीय है कि पिछले दो साल में विद्यालय ने प्रधानाचार्य मनोज कुमार मीणा के नेतृत्व में नामांकन वृद्धि, श्रेष्ठ परिणाम, अनुशासन नवाचारों के साथ ही भामाशाहों में 7 लाख से अधिक का विद्यालय में दान से भौतिक विकास के साथ साथ शैक्षिक विकास में भी क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि दर्ज की है। इससे पूर्व विद्यालय प्रधानाचार्य मनोज कुमार मीणा ने ध्वजारोहण किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।